गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी भावना मैम आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी। मैथ्स में आज पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक है हमारा, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू देखिए क्या होता है। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द डिजिट मल्टीप्लाई बाय इट्स पोजीशन इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में जो डिजिट है वो जिस पोजिशन पे है उस पोजिशन से मल्टीप्लाई होता है। जिस प्लेस पे जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो जिस प्लेस पे है उसे बोलेंगे प्लेस वैल्यू। देन राइट द डिजिट हुज प्लेस हैज टू बी रिटन एंड रिप्लेस द रेस्ट ऑफ द डिजिट बाय जीरोस। फॉर एग्जांपल देखिए एग्जांपल दे रखा है इसमें। इन द नंबर 7245 एक नंबर है, ये प्लेस वैल्यू चार्ट है हमारा। प्लेस वैल्यू चार्ट दिख रहे हैं, सबसे पहले क्या है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। देखिए ये जीरो है, ये हमारा वंस, ये हमारा टेंस, ये हमारा हंड्रेड, फिर आया थाउजेंड है। ऐसे हमने एक नंबर ले लिया, इसमें नंबर दे रखे है 7245। अब देखिए 5 किस प्लेस पे, वंस की प्लेस पे, 4 किस प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे, 2 किस प्लेस पे है, हंड्रेड, 7 किस प्लेस पे है, थाउजेंड। तो हमें बताना है कि किसके क्या क्या पोजीशन है। देखिए 5 है, 5 वंस की प्लेस पे, तो हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 से कितना होगा हमारा 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5। अब 4 हमारा टेंस की प्लेस में है, तो 4 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 40। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 40 आया। देखिए 10 में 10 है तो हमें 4 के बाद 10 लगा देना है। 2 किस पोजीशन पे है, हंड्रेड की पोजीशन पे, तो 100 से करेंगे। अब 100 में कितने जीरो है, 20 है, अरे 2 लेगा, 100 का जो 20 है वो लगा दिए। अब 7 देखिए, 7 किस पोजीशन पे, 1000, तो हमने यहाँ लिखा 1000 में कितने जीरो है, 1 2 3, 7 लिखा, फिर 3 0 लगा दिए। यह हमें पता चल गई सबकी प्लेस क्या क्या है। ये 5 है, ये हम रीड कैसे करेंगे, 7245 से रीड करेंगे इसको। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, प्लेस फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, अब हम फेस वैल्यू पढ़ेंगे। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज अ डिजिट इटसेल्फ। फेस वैल्यू जो डिजिट ये हमें दे रखी है 4, 3, 2, 5, तो जैसे कि इसमें ये 5 है तो 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगी, और 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, और 4 की फेस वैल्यू 4 होगी। देखिए कोई भी नंबर ले ले, 4, 3, 2, 5 दे रखा था यहाँ पे, तो 5 की जो फेस वैल्यू है, फेस फेस माने फेस आप जानते हो, तो 5 का फेस 5 ही होगा, और 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। और इसमें एक चीज और है, जो ये हमारा 0 है, 0 एक ऐसा नंबर है, ऐसा डिजिट है जिसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू 0 ही होती है। 0 जो नंबर है हमारा, इसकी प्लेस और फेस वैल्यू 0 ही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फेस वैल्यू पता चल गई। अब हम पढ़ेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म। व्हेन वी राइट नंबर एज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट द नंबर इज सेड टू बी इन इट्स एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पे कोई डिजिट दे रखी है, हमें इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। हमने यहाँ पे
इस तरीके से इनकी प्लेस वैल्यू लिखी थी 7200। अब हम इन्हें सम में लिखेंगे, प्लस कर करके लिखेंगे, तो ये एक्स से प्लस कर करके लिखते हैं इस तरीके से, तो वह एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है। इसमें एग्जांपल देखिए दे रखा है, सेवन वन टू नाइन है, 7129 को हम कैसे करेंगे, 7 किस प्लेस में, यहाँ पे लिख लेते हैं 0 1 100 1000 7000 प्लस 100 प्लस 2 10s प्लस 9 1s। अब देखिए 7000 है ना, 1000 में कितने जीरो लगाए थे हमने, 1 2 3, तो 7 ऐसे रहेगा और 1000 में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3, 3 जीरो लगा दिए। फिर प्लस, या 1 दे रखा है 100, तो 100 कैसे होंगे, 1 फिर 100 में कितने जीरो होते हैं, 1 2, तो 2 जीरो लगा दिए। फिर प्लस 2 10 की प्लेस में, तो 2 10 में 1 0 होते हैं, तो 1 0 लगा दिए। फिर प्लस 9 1s में, तो 9 9 रहेगा। इस तरीके से जब हम लिखते हैं तो हम इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरीके से लिखने को हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा नंबर्स ऑन अबेकस। हम नंबर्स को अबेकस पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक नंबर दे रखा है 4635, इसको अबेकस पे कैसे लिखे हमने, 4 पे देखिए, 4 किस प्लेस में था, 1000, तो इनने 4 पे 1000 की प्लेस में था, तो यहाँ पे इनने 4 बीट्स लगाई हैं, 1 2 3 4, 600 की प्लेस में था तो यहाँ पे 6 लगा दिए, 3 10s की प्लेस में था तो यहाँ 3 लगा दिए, 5 1s की प्लेस में था यहाँ 5 लगा दिए। इस तरीके से ये किया अबेकस पे। अब देखिए एक्सरसाइज देखिए हमारी, सबसे पहले मेरी एक्सरसाइज है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ इन सर्कल डिजिट। जो डिजिट सर्कल है उस डिजिट की आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। अभी मैंने आपको प्लेस वैल्यू समझाई थी, सबसे पहले तो ये देखिए 3 किस डिजिट किस प्लेस में, 1s में। देखिए हमारा पहला क्या था, 3 1 6 3, इस पे सर्कल है 3 पे, चलिए लिख लीजिए ये 1s 10s 100 1000, तो 3 हमारी किस प्लेस में है, 1s में, 1 में, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3। ऐसे बी वाला देखिए, बी वाले में क्या है, 6 1 2 3, सर्कल किस पे है, 2 पे, सर्कल किस पे था, 2 पे, हमें 2 की बतानी है प्लेस वैल्यू, तो 2 किस प्लेस में है, 1s 10s 2 10 की प्लेस में, और 10 में कितने जीरो होते हैं, पहले 2 लिख लो और 10 में कितने जीरो हुए, 1 0, तो 1 0 लगा दो। ऐसे ही आपको जिस जिस नंबर पे सर्कल है उस नंबर की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो ये बच्चों आपको अपनी कॉपी में होमवर्क पे करना है। और ये क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द इन सर्कल नंबर। जो नंबर सर्कल है उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है। सबसे पहले प्लेस वैल्यू इससे कैसे पता चलेगी, ये किस प्लेस में, 1s 10s 10s में, और 10 में कितने जीरो होते हैं, 1 0 होते हैं, तो यहाँ पे पहले 5 लिखना, फिर 10 में जो 1 0 होते हैं वो 0 लगा देना। और फेस वैल्यू इसके क्या होगी, 5 की 5 ही होगी, मैंने आपको बताया था जिसको जो भी नंबर हो उसकी फेस वैल्यू वही होती है, तो ये 5 है तो इसकी फेस वैल्यू 5 ही होगी। आपको ध्यान देना जो सर्कल का रखा है उस नंबर की आपकी आपको पूछा गया उसकी उस नंबर का बताओ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जिस नंबर पे सर्कल है। तो आपको ये 2 क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं, और कुछ अगर चीजें नहीं समझ में आई है तो वो आप नोट करके रखिए कॉपी में, आपको आफ्टर लॉकडाउन जब स्कूल खुलेगा तो आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ओके बच्चों, अब आप ये अच्छे से अपने कॉपी में काम करिएगा। थैंक यू।